मोहम्मद अथर इकबाल फरीदी, एमफिल इंग्लिश, डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल, रिवाइवल इंटरनेशनल स्कूल सिस्टम का इंटरव्यू करने उनके ऑफिस पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं अहमद भाई? ठीक ठाक हैं। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, आप सुनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूँ आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूँ, आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, अथर इकबाल फरीदी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप एमफिल इंग्लिश हैं, आप डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल रिवाइवल इंटरनेशनल स्कूल सिस्टम हैं, आप वाइस प्रेसिडेंट ग्रूमर फाउंडेशन बावलपुर हैं। आज हम तालीम के हवाले से बात करेंगे, आपकी ज़ाती लाइफ के हवाले से बात करेंगे, प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से बात करेंगे, पाकिस्तान के मौजूदा तालीम निज़ाम के हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहमद भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत ज़्यादा करम है। आप सुनाएं, सब खैर खैरियत है? वेलकम इन रिवाइवल इंटरनेशनल स्कूल सिस्टम। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकअल्लाह सर। अगर तालीम के हवाले से बात करें तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, आपका तालीमी सफ़र कैसा रहा? सर अल्हम्दुलिल्लाह, तालीमी सफ़र बहुत खूबसूरत रहा। मैं बुनियादी तौर पर बेसिकली बहावलपुर, डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर के करीब ही एक गांव से मेरा ताल्लुक़ है, लेकिन मेरी पैदाइश और एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी टू अल्हम्दुलिल्लाह एमफिल बहावलपुर से ही है। मेरा मैट्रिक बहावलपुर के बड़े मारूफ से स्कूल, गवर्नमेंट टेक्निकल स्कूल से मेरा मास्टर है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैंने एफएससी मेडिकल के साथ की गवर्नमेंट एससी कॉलेज बहावलपुर से, फिर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर इन इंग्लिश है इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर से, और उसके बाद एम फिल मैंने किया और अल्हम्दुलिल्लाह, और ये एक बड़ा खुशगवार सफ़र था जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जारी और सारी है। इंसान की ज़िंदगी तो सारी ज़िंदगी तालिबे इल्म ही रहता है, अभी तक भी हम सीख रहे हैं, और ये सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशगवार और मज़ेदार रहा। ठीक सर, आपने टीचिंग का आगाज़ कब से शुरू किया और कहाँ कहाँ पढ़ाते रहे? सर मेरा टीचिंग करियर अल्हम्दुलिल्लाह 2010 से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। मतलब मेरा 2010 में आई ज्वाइन दार ज़ुहा पब्लिक स्कूल, फिर उसके बाद 11 में मैंने स्टार्स एकेडमी को ज्वाइन किया रियाज कॉलोनी में, यहाँ का जो लोकल एकेडमी थी मेरे असाज़ा के साथ। ये मेरा हमेशा से ही मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मैंने बड़े इदारों में और अपने असाज़ा के साथ सर्व किया। फिर 2013 में प्रॉपरली एक प्रॉपर स्कूल को मैंने ज्वाइन किया, नेक्सस सीनियर स्कूल, बेसिकली मेरा मदर इंस्टीट्यूट है, जहाँ से मैंने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, टीचिंग स्किल्स जो सीखी वहाँ से, और अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह आज तक उसी इदारे और उसी टीम के साथ कनेक्टेड हैं। उसके बाद तो ये सफ़र ऐसा शुरू हुआ कि थमने का नाम ही ले लिया। सर एक अच्छे उस्ताद में क्या खसूसियात होनी चाहिए? बस मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छा टीचर के लिए जो बुनियादी चीज़ें हैं, एक तो सबसे पहले सेल्फ प्रिपरेशन है, कैरेक्टर है, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा कमिटमेंट है और रेगुलरिटी है, ये बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन भी इसमें शामिल है। तो ये दो तीन चीज़ें हैं, जिस टीचर में भी आ गई तो वो बहुत बहुत अच्छा टीचर होते हैं। मेरे ख्याल में ये क्वालिटीज़ एक टीचर में होनी चाहिए। एफएससी के तुलबा तुलबात को एमडी कैट की तैयारी किस तरह करनी चाहिए? सर फ्रॉम द लास्ट यू कैन से फॉर मेनी इयर्स यू कैन से आई हैव बीन टीचिंग इन किप्स एज एन एंट्रेंस टेस्ट टीचर,
तो अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू द फर्स्ट थिंग इज योर फोकस. FSC और स्पेशली जो एंट्रेंस टेस्ट है वो आपका फोकस मांगता है. आप जितनी फोकस्ड रहेंगे आप उतना ज़्यादा आपकी जो कामयाबी के करीब जाएंगे. तो ये आप डाइवर्ट हुए डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, ये जो है बच्चे को थोड़ा सा उनको डाइवर्ट करता है अपनी स्ट्रीम लाइन से और बच्चा यहाँ थोड़ा सा परेशान होता है. तो मैं ये समझता हूँ कि बच्चे मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत टफ कंपटीशन होता है, लेकिन कामयाबी उसी की है कि वो कितना फोकस्ड है, कितना रेगुलर है. और सबसे बड़ी चीज़ उसको जो एक उसका कैरेक्टर है, मतलब मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है, कंसेप्ट भी ठीक होते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन उनमें वैल्यूज़ की कमी होती है. कामयाबी के लिए सर वैल्यूज़ बहुत ज़रूरी हैं. तो इस लिहाज से एक अल्लाह से भी दुआ करनी चाहिए, माँ बाप असाज़ा के साथ उनसे भी दुआएं लेनी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, अल्लाह पाक कामयाबी देते हैं. सर आजकल के स्टूडेंट में ऐसी कौन सी डेफिशिएंसीज हैं जो इम्प्रूव करनी चाहिए, आप इस बारे में बताएं. सर मैं ये समझता हूँ वो कि बहुत अच्छा टाइम है, बच्चों के कंसेप्ट और बच्चे बहुत अच्छे आ रहे हैं, मतलब बड़ी उनका जो IQ लेवल है, उनकी स्टडी बहुत ज़बरदस्त है. लेकिन एक चीज़ में जो मुझे लगता है कि हम लैक कर रहे हैं और ये हमारे लिए लम्हा फिक्री है सर, वो वैल्यूज़ है, वो करेक्टर है, वो तरबियत है, उसकी बहुत कमी है. बच्चे के नंबर देखें सर, वो 99 पे भी जा रहे हैं, 100% पे भी अभी रिसेंटली आपने देखे होंगे रिजल्ट्स में 90 प्लस रिजल्ट होगा. एथिक्स, वैल्यूज, कैरेक्टर और मतलब जो एक इखलाकियात की कमी है वो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इसका इशू है. ठीक. एक तालिबे इल्म में लीडरशिप की स्किल्स जो है किस तरह प्रमोट करनी चाहिए. सर ये एक उस्ताद का काम है. मैं ये समझता हूँ कि उस्ताद का जो है ना वो बिल्कुल एक उसी एक कानकुन की तरह है जो किसी कान से कोयले में से सर वो निकालता है हीरा, फिर उसको तराशता है. एक उस्ताद का काम सिर्फ पढ़ाना, दो लफ्ज़ पढ़ाना नहीं, उसको ये देखना होता है कि उसका जो स्टूडेंट बच्चा है उसमें क्वालिटीज़ क्या हैं, फिर अकॉर्डिंगली उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं. अब तो मतलब बहुत सारे सेक्टर्स में हमने कंजेस्टेड कर दिया है बिल्डिंग्स में, मतलब ये स्कूल भी कॉलेजेस भी उसमें जैसे एक प्लेटफॉर्म हैं जो हमारे, उनको यूज़ करना चाहिए. बेशक वो स्पोर्ट्स है और इसके अलावा जो एक कैरेक्टर बिल्डिंग डिफरेंट सोसाइटीज़ होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, तालीमी इदारों में, वो होनी चाहिए. कंपटीशन हो जहाँ तक उनकी सारी जो जो जिस बच्चे का टैलेंट है वो उभर के सामने आ जाता है. मतलब बहुत सारे स्कूल में डिफरेंट लिटरेरी सोसाइटीज़ होती है, प्रीफेक्ट होते हैं, बच्चों में इलेक्शंस होते हैं और वहीं से आपको नज़र आ रहा होता है किस बच्चे में कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, फिर टीचर उसको पॉलिश करे. और ऐसे मैंने काफ़ी सारे बच्चों को देखा है. आपको रिवाइवल इंटरनेशनल स्कूल सिस्टम बनाने का आइडिया कैसे आया. बस सर ये आइडिया तो बहुत पुराना था, मैंने स्टार्ट में टीचिंग करी है डे फर्स्ट से ये था कि इंशाल्लाह अपना एक इदारा बनाना है और सोसाइटी को डिलीवर करना है और एक ऐसा इदारा बनाना है जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, नंबर गेम से हटना है, तरबिया पे काम करना है. तो अल्लाह पाक ने मौका दिया सर अपने उस सोच पे, दोस्तों से मिले, ऐसे दोस्त मिले जिन्होंने तावुन किया इस मकसद पर काम करने के लिए. तो अल्हम्दुलिल्लाह उन दोस्तों से, उन सारे मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिनके तावुन से आज हम इस जगह पर पहुँचे हैं. इस्पेशली मेरी जो टीम है, हमारे डायरेक्टर सौ फैसल साहब हैं, साजिद साहब हैं और मेरे मोहसिन जिन्होंने तरबियत की है, प्रोफेसर राशिद महमूद बोदला साहब. अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह एक विजन, एक मिशन के तहत हम काम कर रहे हैं जिसका पर्पस भी हमारा अगर आप देखेंगे रिवाइवल का तो कुरान, विजडम और प्योरिफिकेशन है सर. हम तरबिया पे काम करने जा रहे हैं और एक जो डे फर्स्ट से अल्लाह पाक ने एक सोच दी थी अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकली उसको अमल करने का टाइम आ गया. आपके स्कूल में कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं. सर बेसिकली ये प्री जूनियर सेक्शन से मैट्रिक तक हमने ये स्टार्ट किया हुआ है. अच्छा. और डिफरेंट सेक्शंस हैं, एक प्री जूनियर ब्लॉक है, जूनियर ब्लॉक है, फिर मिडिल सेक्शन है, फिर हायर क्लासेस मैट्रिक क्लासेस हैं. और इन सब ब्लॉक्स के डिफरेंट हेड्स हैं, स्टाफ भी डिफरेंट है. एक क्वालिटी एजुकेशन अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं. आपके स्कूल में तुलबा तुलबात के लिए क्या सहूलियात हैं. सर अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस पूरी मार्केट से, मैंने पहले भी बताया कि हम ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट से ज़रा हट के हैं. एक तो अल्हम्दुलिल्लाह हम चूँकि डिस्कस जैसे हुआ एक कुरान, विजडम, प्योरिफिकेशन,
वैल्यूज़ पे काम करने जा रहे हैं, जो इस्लामिक वैल्यूज़ हैं वो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रायोरिटी है, उस पर प्रेफरेंस पर हमने उसको रखा हुआ है। इंडोर मास्क है, नमाज कंपलसरी है, हमारी जो टाइम टेबल है वो भी नमाज के साथ कनेक्टेड है। जोहर की नमाज के बाद उनको ऑफ होता है, फिर वो असर की नमाज हमारे साथ रिज्वाइन करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। फिर उनकी कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ यहाँ पे हैं, हमारे पास शहर के बड़े मरूफ से कोच अशरफ साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। वो बच्चों को सारी कुंग फू है, मतलब कराटे क्लासेस हैं, इसके अलावा सारे स्पोर्ट्स वो बच्चों को कराते हैं ताकि फिजिकल ग्रूमिंग भी उनकी रहे। मतलब सुबह उनका एकेडमिक्स जैसे रूटीन में होता है, कुरान क्लास भी उसमें, तरबिया भी उसमें, तफसीर भी उसी में, शाम को स्पोर्ट्स प्लस ट्यूशन, ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को दे रहे हैं। ठीक, आजकल आप किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं? बस सर, आजकल इसी रिवाइवल जो एक फुल टाइम जॉब है, सुबह से लेकर शाम तक काफ़ी टफ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने तौफीक दी हुई है, दोस्तों से मिलकर फोकस्ड इसी इदारे पर है, इसकी कामयाबी पर है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें इसमें तौफीक दे कि हम इसको कामयाब कर सकें। एक उस्ताद को लेक्चर की तैयारी किस तरह करनी चाहिए? वंस अगेन मैं ये बताऊंगा कि डिस्कस करूंगा कि जैसे मैंने अभी एंट्रेंस टेस्ट मेडिकल की बात की, तो लेक्चरर के लिए भी वही चीज़ है, फोकस्ड है और आपका अपना सब्जेक्ट है, आपकी सब्जेक्ट कमांड कितनी है और आपका जो एक लिटरेरी बुकिश कितने हैं डिपेंड करता है। लेक्चरर के लिए प्योरली मुझे लगता है कि वन मस्ट हैव बुकिश, मतलब आपका टेस्ट होना चाहिए बुक रीडिंग का, रिसर्च होनी चाहिए, आपको सब्जेक्ट आना चाहिए और मेहनत हो तो ये कामयाबी मिल जाती है। ठीक सर, आप ग्रोमर ऑर्गेनाइजेशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो ग्रोमर आजकल क्या एक्टिविटी करा रही है? सर ग्रोमर जो फाउंडेशन है इसका, अगर मैं मुख्तसर तारफ दूँ तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे मोहसिन मेरे उस्ताद प्रोफेसर राशिद महमूद बोदला साहब, जो कि प्रेसिडेंट भी हैं और लास्ट 20 ईयर से अल्हम्दुलिल्लाह इस मिशन पे काम कर रहे हैं, स्पेशली जो है वो उन स्टूडेंट्स पे हम काम करते हैं जो टैलेंटेड हैं, जो सरमाया है इस मुल्क का और इस कौम का, लेकिन हालात ने उनको जकड़ा, मुश्किल हालात ने, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मतलब उन लोगों का भी हक है सर, मतलब ये देखें कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, टैलेंटेड बच्चे हैं, अफोर्डेबिलिटी नहीं है सर, बेहतर एजुकेशन नहीं मिल रही, तो हम स्पेशली उन बच्चों पर इन्वेस्ट करते हैं, अपना टाइम भी, अपनी सलाहियतें भी, अपनी फाइनेंशियली भी उनको सपोर्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इसी ऑर्गेनाइजेशन के तहत एक हमने हॉस्टल बनाया हुआ है जहाँ पे ऑर्फन बच्चे हैं, नीडी बच्चे हैं, जो हमारे पास रहते भी हैं, उनका खाना पीना, रिहाइश, तालीम सब हमारे साथ होती है। इसके अलावा जो गिरदोनवा के जितने भी हमारे पास गरीब लोग आते हैं उनके रोज़गार के लिए हम कोशिशें कर रहे हैं। बेसिक हमारा एजुकेशन टूल है सर, ऐसे बहुत सारे लोग हमने देखे हैं कि अल्लाह पाक ने उनको जोड़ दिया और उनको थोड़ी सी हमने ट्रिगर किया और वो फिर अपने पाँव पे खड़े हो गए, आज वो अपने जैसे हज़ारों लोगों का ज़रिया बन रहे हैं। तो ये हमारा मकसद है सर, ये तालीम को आम करना है और ये खुद कफील नौजवानों को करना है इंशाल्लाह। अदब के हवाले से बात करूँ तो आपको अदब का कितना शौक है? बस जैसे मैंने बताया कि मेरा जो कि सब्जेक्ट भी लिटरेचर है, तो बस ये कि अभी कुछ अच्छे से चूँकि ज़रा इस काम बहुत ज़्यादा है, अदरवाइज़ एक लिटरेरी टेस्ट है, पोइट्री बहुत पसंद करता हूँ मैं, मतलब जितने भी हमारे मुशायरे होते हैं जाते हैं, और बहावलपुर की एक बड़ी मारूफ और मशहूर शख्सियत सब लोग ही जानते हैं, आका सदफ मेहदी साहब मेरे उस्ताद भी हैं, मोहसिन भी हैं, शायर भी हैं, अदीब भी हैं, और माशाल्लाह बहावलपुर के वन एंड ओनली होस्ट भी हैं, तो उनके साथ ऑफ एंड ऑन हमारी बैठक चलती रहती है, अदबी महफिल लगती है, मुशायरे भी होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा ज़ौक है, लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे से उस तरीके से इन एक्टिविटीज़ में जा नहीं सका। आपके फेवरेट राइटर कौन है? सर मैं वर्ड्सवर्थ को पढ़ता हूँ, मतलब वो बड़ी नेचर के करीब उन्होंने चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर ट्रेजेडी और इस चीज़ों पे हों तो शेक्सपियर को देखता हूँ, और फिलोसफी पे देखूँ तो मैं कुछ अलामा इकबाल की बुक्स और उनकी जो राइटिंग है उनको पढ़ लेता हूँ, तरबिया के हवाले से उनको फॉलो करता हूँ, और इससे बढ़ के आजकल मैंने कुरान मजीद की तफसीर का आगाज़ किया हुआ है अल्लाह के फजल व करम से, कि लर्निंग स्टेज है सर, सारी ज़िंदगी चलती है, अल्लाह पाक तौफीक दें ताकि इसको हम कंटिन्यू कर सकें। टूरिज्म के हवाले से बात करूँ तो आपको टूरिज्म का कितना शौक है?
सर हमारा फ्रेंड जोन है अल्हम्दुलिल्लाह, मोस्टली इसी एजुकेशन फील्ड से है। मेरे दोस्त हैं अब्दुल बासित सोमरू साहब अल अलीम सिस्टम ऑफ एजुकेशन से, प्रोफेसर शाहिद रफीक साहब हैं, अभी मैं जिक्र कर रहा था, प्रोफेसर राशिद साहब, आगा साहब, मतलब वो फैसल साहब, हमारा एक कैबिनेट है। हम कोशिश होती है कि जैसे ही मौका मिले, कोई इकट्ठी दो तीन छुट्टियाँ आए तो हम निकल जाते हैं जहाँ दिल करे। तो शुमारी इलाका जात में वैसे तो पाकिस्तान का हर एक कोना जो है वो बर्ड वॉचिंग, बर्ड सीइंग है, बेशक वो बहावलपुर का चोरिस्तान है, वो बेशक शुमाली इलाका जात की पहाड़ियां हैं, या इस्लामाबाद है, लाहौर जैसा ट्रेडिशनली रिच सिटी है। तो बस कोशिश होती है, निकल जाते हैं। बहुत सारे एरियाज रिसेंटली हम के पी का विज़िट कर रहे हैं और ये भी बहुत अच्छा जो है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस रहा है। तो वो मेंटली रिफ्रेशमेंट के लिए भी वैसे बड़ा ज़रूरी है, लेकिन हम सब दोस्तों का एक फ्रेंड जोन है विजिटर्स का, जो ऑफ एंड ऑन हम मूव करते रहते हैं। बहावलपुर के बारे में क्या तासरात हैं आपके? सर बहावलपुर में चूँकि मैंने अभी जिक्र भी किया था कि गुज़श्ता चंद कुछ अरसे से एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ एज ए एंट्रेंस टेस्ट स्पेशलिस्ट काम करता रहा हूँ, तो मैंने डिफरेंट सिटीज़ विज़िट किए हैं सर। अल्हम्दुलिल्लाह एक तो मेरी नेटिव लैंड है, उसका भी एक है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मोहब्बत है, लेकिन रिहाइश के लिए बहावलपुर बहुत पीसफुल सिटी है अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ा ट्रेडिशनली रिच है, एक तारीख है बहावलपुर की, जिसमें पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर में बड़ा अहम है। और ये जो चोलिस्तान की खूबसूरती है, ये द्रावड़ की जो तारीख है, ये मैं समझता हूँ कि इसमें बड़ी अट्रैक्शन है। अगर गवर्नमेंट मज़ीद इस पर थोड़ा सा काम करे तो इंटरनेशनली जो टूरिस्ट हैं हम उनको यहाँ इनवाइट कर सकते हैं, हम विज़िट कर सकते हैं सिटी ऑफ पैलेसेस। तो मतलब एक तो हम यहाँ रहते थे तब तो मोहब्बत है ही है, लेकिन अब चूँकि गुज़श्ता कुछ अरसे से मैं बाहर रह के आया हूँ, तो मुझे इसकी इम्पोर्टेंस और इसकी वर्थ कुछ ज़्यादा ही फील हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हर लिहाज से बहुत अहम शहर है, जियोग्राफिकल लिहाज से भी, रहने के लिहाज से बेस्ट प्लेस इन साउथ पंजाब, बहुत पीसफुल अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त शहर है सर। ठीक, आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा? सर इस कामयाबी में वालिदैन की और असातिज़ा की दुआओं के बग़ैर तो ये मुमकिन ही नहीं है। अगर मैं अब स्टार्ट करूँ मेरी प्राइमरी एजुकेशन से लेकर मास्टर तक मेरे असातिज़ा थे, मतलब सर सैयद अज़हर साहब थे मेरे प्राइमरी के टीचर थे, उसके बाद मेरे जो मिडिल के अब्दुल मालिक साहब, मतलब अताउल्लाह कादरी साहब टेक्निकल से, और इसी तरह रफ़ीक नासिर साहब, ये मेरे असातिज़ा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इन असातिज़ा की मेहनत, बहुत सारे असातिज़ा जिनका नाम नहीं ले सका मैं, इसी तरह अगर FSC में आता हूँ तो राशिद साहब जिनका नाम लिया, रियास राशिद साहब हैं, प्रोफेसर इमरान गफूर साहब हैं, फिर यूनिवर्सिटी में मेरे मतलब हर दिल अजीज़ शख्सियत प्रोफेसर फलक शेर साहब, सोहेल सही साहब, मैडम ममूना, मतलब इन असातिज़ा की दुआओं के बगैर ये पॉसिबल ही नहीं था। बाकी मेरे दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं डिस्कस कर रहा था, राव फैसल साहब हैं, साजिद खान साहब हैं, अब्दुल वासे साहब हैं, इन दोस्तों का बड़ा तावन रहा है सर। आज अल्लाह पाक ने इस स्टेटस पर अगर कुछ दिया है, इन दोस्तों की दुआओं से, असातिज़ा की दुआओं से, वालदैन की दुआओं से हैं, और बस मैं दुआओं की मरहून मिन्नत है सर। आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? सर कामयाबी की डेफिनेशन वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। कोई दोस्त एक ख़ास ओहदे पर फाइज हो गया वो समझता है कामयाब हो गया, किसी ने अपना बिजनेस कामयाब कर लिया तो वो समझता है, मतलब सक्सेसफुल हो गया तो वो समझता है कि कामयाबी है। मेरे नज़दीक कामयाबी ये है कि सर अगर आपने अल्लाह को राज़ी कर लिया और ख़ात्मा बिल खैर, ख़ात्मा बिल ईमान हो गया, ये सबसे बड़ी कामयाबी है सर, ये दुनिया और आखरत की बड़ी कामयाबी है सर। अल्लाह पाक हमें ख़ात्मा बिल खैर, ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए सर। आपके बेस्ट टीचर कौन है? सर मेरे बेस्ट टीचर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट लेवल, हर लेवल पे बेस्ट टीचर स्कूल में और थे, कॉलेज में और, लेकिन ओवरऑल अगर मैं ग्रेडिंग करता हूँ तो प्रोफेसर राशिद महमूद बोदला साहब हैं, जिन्होंने एक्चुअली मुझे सिखाया है, ज़िंदगी सिखाई है सर, ज़िंदगी मतलब किताब पढ़ाना समथिंग एल्स, तो लेकिन उन्होंने ज़िंदगी का तरीकाकार सिखाया है, उन्होंने मेरी स्कूल ऑफ थॉट को कम्प्लीटली चेंज किया। आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है? सर आइडियल पर्सनैलिटी मतलब मेरे लिए तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, और जिनकी जो कुरान मजीद में है सर, मतलब उनसे बढ़कर तो कोई नहीं है,
और इसके अलावा अगर यहाँ पे देखते हैं तो मैं अपने मोहसिन राशिद बोदला साहब को आइडियल कंसीडर करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उनके फुटस्टेप पे अमल कर सकूँ। ठीक सर, आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, अपने फैकल्टी मेंबर को, स्टूडेंट्स को, एज अ प्रिंसिपल आपका क्या मैसेज है? बस मैं अपने देखने वालों में, ख़ास तौर पर पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहूँगा कि डू इन्वेस्ट ऑन योर किड्स, बच्चों पे इन्वेस्ट करें, नॉट अमाउंट, इन्वेस्ट योर टाइम। आप अगर आज अपने बच्चों पर अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो आपको पे बैक होगा। अब ऐसा ना हो कि 15-20 साल जब हम एक ओल्ड एज में हों और हम अपने बच्चों की तरफ देखें और उसमें अब बचपन में हमने टाइम नहीं दिया, उनकी तरबिया नहीं की, और जब हम उनसे डिमांड करेंगे तो वो हमें डिलीवर करेंगे जो हमने ना दिया है। तो आज हमें अपने बच्चों को टाइम दें, उनकी तरबियत करें, कल यही बच्चे वो टाइम और वो चीज़ें हमें पे बैक करेंगे। तो ये बच्चों की तरबिया के हवाले से, मतलब फोकस पे बच्चों पे तवज्जो दें, आपके बच्चे की एक्टिविटीज़ पे काम करें। एवरीथिंग इज़ नॉट अमाउंट, पैसा सब कुछ नहीं है। आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका कैरेक्टर है, बच्चों के कैरेक्टर बिल्डिंग पे काम करें बस। ठीक, थैंक यू सो मच। जज़ाकअल्लाह सर, थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग। एट द एंड मैं सर आपका शुक्रिया भी अदा करूँगा, और आपने बहुत कम अरसे में माशाल्लाह बहावलपुर की धरती को निखार दी है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक सर, ढेर सारी दुआ। थैंक यू। जी तो नाज़रीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। अथर इकबाल फरीदी साहब से हम बात कर रहे थे, प्रिंसिपल रिवाइवल इंटरनेशनल स्कूल सिस्टम। तो हमने डेवलपमेंट के हवाले से बात की, तालीम के हवाले से बात की, आपके स्कूल के हवाले से बात की। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।